बड़ा हल्ला मचता है, कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन। सनातन संस्कृति है वो रियल कन्वर्जन की बात करती है। इसलिए आपने देखा होगा हिंदुओं में कन्वर्जन करने की बड़ी ललक नहीं है, जितनी ललक और धर्मों में है उतनी हिंदू में नहीं है। हिंदू कन्वर्जन की बात ही नहीं करता, शायद ही हिंदू ने कभी किसी से कहा हो कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। महात्मा गांधी का एक बड़ा फेमस प्रसंग है कि अमेरिका का कोई उनका डिसाइपल ने उनको पत्र लिखा कि बाबा जी मैं हिंदू बनना चाहता हूं। उन्होंने उसे जवाब दिया कि तुम एक अच्छे ईसाई बन जाओ, तुम बस एक अच्छे ईसाई बन जाओ, हिंदू बनके क्या करोगे। ईसाइयत भी उसी मंजिल तक ले जाने की बात करती है। हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति कन्वर्जन की बात ही नहीं करती, करती ही नहीं, क्योंकि भारतीय संस्कृति ओरिजिनल कन्वर्जन को जानती है। और उस कन्वर्जन का सूत्र क्या है? वर्ण व्यवस्था। भारतीय संस्कृति की सबसे महान देन द्विज। वर्ण व्यवस्था का प्रमुख अंग क्या है? द्विज। द्विज ट्वाइस बॉर्न, दो बार जन्म, दो बार जन्म। हां कैसे? एक जन्म आपकी मां देती है जब आप इंद्रियों पर जीते हैं, सेंसेस पर, और एक जन्म आपका गुरु देता है जब आप इंद्रियों से उठकर कॉन्शियस पे आ जाते हैं, चैतन्य पे। आप कहेंगे एग्जाम्पल सिद्धार्थ, सिद्धार्थ माल्या नहीं, सिद्धार्थ राजा सुद्धोधन का बेटा, क्या नहीं है उसके पास? स्त्रियां हैं, महल है, राजशाही है, और वो बन गया बुद्ध। नरेंद्र बन गए स्वामी विवेकानंद। स्वामी किसके? इंद्रियों के। जिसके पास क्या है? विवेक है। जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है और जिसके पास विवेक है वो हमेशा आनंद में रहेगा। ये है रियल कन्वर्जन, ये है वास्तविक कन्वर्जन, इंद्रियों से चैतन्य पर आना।